कैसे बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से, एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आज तक किस पर कार्यवाही किया है? अधिकारी बिहार को गाली देते हैं उन पर तो कार्यवाही करते ही नहीं, अपराधियों पर तो कार्यवाही करते ही नहीं, अपने बड़बोले नेताओं पर क्या कार्यवाही करेंगे? ये सारी बातें जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के संरक्षक चिराग पासवान ने कही है। आपको बताए चिराग पासवान आज पटना है, पटना में पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे मीडियाकर्मी सवाल पूछते हैं कि जदयू के एक बड़े नेता हैं यानी गुलाम रसूल बलियावी के मामले पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है, उनके दिए गए सेना पर दिए गए विवादित बयान पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये लोग जितने भी विपक्षी हैं ये एक इंसान का के विरोध करने के वजह से पूरे देश का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। अगर आपको विरोध ही करना है तो उस पार्टी के, उस सरकार की नीतियों का विरोध करिए, कहिए कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, बजट सही नहीं है, लेकिन आप लोग सेना को क्यों घसीटते हैं, सेना के बारे में आप लोग क्यों बोलते हैं, सेना को आप लोग क्यों अपमानित करते हैं? तो देखिए गुलाम रसूल बलियावी पर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। सिर्फ गुलाम रसूल बलियावी ही नहीं बल्कि साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बिहार को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपराधियों पर तो कार्यवाही करता ही नहीं है, अधिकारी जो बिहार को गाली देते हैं, बिहार को अपमानित करते हैं, उन अधिकारियों पर तो वो कार्यवाही करते ही नहीं है, वो अपने नेता पर क्या कार्यवाही करेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट से? किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी को, क्या कुछ कह रहे हैं? आपको छोड़े जाती हूं उनकी पूरी बातों के साथ। उन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और सेना पर सवाल उठाया है और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ने में डर लगता है तो सेना में 30% मुसलमानों की भर्ती करें। कैसे बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से, एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर, उनको अपमानित कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं, और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती हैं इन लोगों के ऊपर। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीजें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष होता है। कुछ दिन पूर्व गुलाम रसूल बलियावी ने ही कहा था कि करबला बना देंगे, उसके बाद ये बयान आया है, बाकी लगता है कि किस तरह से वो भाई ये सब फालतू के बयान है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई ज्वलंत विषयों पर तो इनको बोलना नहीं है ना, बिहार के हालात पर इनको बोलना नहीं है, बिहार बिहारियों से इनको फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों को ऐसी बातों से फर्क पड़ता है जिससे इनकी राजनीति चमके, चार दिन खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें बोले। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे? मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं है, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करे उन पे तो कार्रवाई करते नहीं है, इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे? मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है, सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला।